पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो दरगाह पहुंची हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जब एयरपोर्ट वो पहुंची थी, वहां से जब निकली थी, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन दरगाह पहुंची हैं ज़ियारत करने के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, और ज़ियारत कर निकली है ममता बनर्जी, और देखिए चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है ममता बनर्जी को। हालांकि इससे पहले भी एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, मुखातिब भी वो हुई थी, और देखिए ज़ियारत करके बाहर आ चुकी हैं ममता बनर्जी। एक सियासी मैसेज भी इसे कहा जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि ना केवल वो दरगाह गई हैं ज़ियारत करने के लिए, बल्कि आपको ये भी बताएं कि ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी करेंगी ममता बनर्जी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और जब दरगाह में वो गई थी, ज़ियारत उनको करनी थी, वो तस्वीर भी आपने देखी थी, अब बाहर आ गई हैं ज़ियारत करके ममता बनर्जी। हालांकि प्रतिनिधिमंडल उनके साथ डेलीगेशन भी पहुंचा है, और सुरक्षा के भी पुख्ता और कड़े इंतज़ाम हैं, बेहतर इंतज़ाम व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं और अब दरगाह से बाहर वो निकल चुकी हैं। और इसके अलावा जो कार्यक्रम है ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का है, उसके बाद शाम को दिल्ली जाने के प्रस्थान का उनका कार्यक्रम रहेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अल्लाह से दुआ मांगी है ममता बनर्जी, प्रदेश की खुशहाली की जाहिर सी बात है दुआ मांगी ही होगी उन्होंने। और ब्रह्मा मंदिर में अब दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। तो देखिए, ना केवल दरगाह पहुंची हैं बल्कि मंदिर भी जाएंगी ममता बनर्जी। हालांकि काफ़ी पहले वो पहुंच गई थी दरगाह में, ज़ियारत भी कर ली है, और अब बाहर निकली हैं। तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके साथ कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। अजमेर का दौरा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। और देखिए, तस्वीरें अब इसलिए भी अलग हो जाती हैं कि ना केवल वो दरगाह में ज़ियारत कर रही हैं बल्कि ब्रह्म मंदिर में दर्शन भी वो करेंगी। अभी तक यही उनका कार्यक्रम है, और उसके बाद ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। और हालांकि ममता बनर्जी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट आपको नजर आ रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के घेरे में ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। और ये बाहर आते हुए दरगाह से ममता बनर्जी, हालांकि इससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुई थी एयरपोर्ट पर, और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं। हालांकि मीडिया से मुखातिब पहले वो हो गई हैं, लेकिन एक बार फिर से संभवतः मीडिया से मुखातिब वो हों। दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम, ज़ियारत का कार्यक्रम, फिलहाल दरगाह में ज़ियारत वो कर चुकी है। तो साथ में डेलीगेशन भी ममता बनर्जी के साथ आए हैं। और देखिए, अब 2024 की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि ममता बनर्जी समूचे विपक्ष को एकजुट करने को लेकर तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात भी वो कर चुकी हैं, और ऐसे में कई बार उनकी तरफ से मैसेज सियासी भी दिए जा चुके हैं। और अगर इस तरह से वो अजमेर की अगर बात करें, अजमेर आई हैं, तो यहाँ ये कार्यक्रम उनका ज़ियारत और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन का है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि तय समय था ममता बनर्जी का अजमेर पहुंचने का, उस समय के अनुसार वो पहुंची हैं। अब एक बार फिर से मीडिया से अगर मुखातिब होती हैं तो अब देखना होगा वो क्या कुछ कहती हैं।